नमस्कार, ठीक ठाक हैं आप? अच्छा लगा आप लोग जीवित हैं और स्वस्थ हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक शिक्षा के विषय को लेकर, और शिक्षा की कड़ी में आज का विषय उन सभी शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं शोध कर रहे हैं या शोध कर चुके हैं या शोध करना चाहते हैं। जो शोध कर चुके हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो शोध करना चाहते हैं, आज हम उनके विषय में बात करेंगे। एक ऐसे नोटिफिकेशन की जो कल की तारीख में UGC ने घोषित किया है, और वह सभी को जानना और उसके बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। यदि आप उसको जाने नहीं और आप उसको समझे नहीं, तो आपका पूर्व का शोध, आपका चल रहा शोध और आपका भविष्य में होने वाला किसी प्रकार का शोध कार्य पे स्टैंप लग सकती है, ठप्पा लग सकता है, मलिया मेट हो सकता है, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। और जब आपके करियर की बात आती है, तो हर वीडियो को या हर सूचना को आप ध्यान से सुने। इस बात से मैं आपसे हृदय से प्रार्थना करता हूँ। आभारी नहीं हूँ हृदय से, आभारी मैं तब रहूँगा जब आप मेरी बताई हुई चीज़ों को समझेंगे और वेबसाइट पर जाकर UGC की MHRD ने जो डाला है उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, क्यों वह चिंता व्यक्त की है UGC ने। गुणवत्ता के आधार पर वह नियम और कानून लाने की, वह नियम कानून पहले से था जुलाई 2018 के उस गजट में, लेकिन उसको लागू नहीं करवा पाई सरकार या शैक्षणिक संस्थाएं, तो उसको और कठोर रूप से लागू करते हुए कल की तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और हिंदुस्तान टाइम्स में खबर भी छपी है, नवभारत टाइम्स में भी छपी है, और द प्रिंट के पोर्टल पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो उसी के हवाले से रात्रि से मैं भी बेचैन हूँ। सोच रहा था वीडियो रात्रि में दे दूँ आपको, लेकिन कुछ डेटा और कुछ नोटिफिकेशन के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या समस्या है, क्या उसकी दहशत है और आप कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को शेयर इसीलिए करें क्योंकि शैक्षिक और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ये सूचना है और ये विषय है। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। जय हिंद साथियों, आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, जो लोग शोध कर रहे हैं, कर चुके हैं या जो करने वाले हैं उनके लिए भी एक नया शब्द है, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म जिसे बोलते हैं साहित्यिक चोरी, इसके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। क्योंकि यदि जानते होते, ऐसा मेरा मानना है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, यदि हम जैसे शोधार्थी साहित्यिक शब्द का या साहित्यिक चोरी का महत्व समझते, उसके बारे में जानते, तो हमारी रिसर्च या हमारे आर्टिकल या हमारे शोध कभी भी संदेह के दायरों में नहीं आते। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इंडिया में ऐसे कितने जर्नल हैं और ऐसे कितने रिसर्च जर्नल हैं जो अन्य विश्व के मुल्कों में एज अ रेफरेंसेस यूज़ किए जाते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की शोध किस स्तर की हैं, किस कैटेगरी की हैं, क्योंकि हम ही अपनी शोध को किसी को रेफर करने का साहस आज तक नहीं जुटा पाए हैं। तो यदि आपको किसी विषय पर कार्य करना है, तो फलाने व्यक्ति की रिसर्च के आधार पर अपना कार्य कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। तो इन्हीं सभी चिंताओं को व्यक्त करते हुए उसमें एक नया नियम लागू किया गया है, जिस नियम का नाम है सेल्फ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म तो था, एक शब्द और जोड़ दिया है सेल्फ, यानी कि आत्म साहित्यिक चोरी। अब आप सोचेंगे, समझेंगे क्या है ये आत्म साहित्यिक चोरी और क्यों जोड़ा गया ये शब्द। साहित्यिक चोरी तो अधिकांश को पता है, और जिसको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में जानकारी दे दूँगा कि क्या होती है साहित्यिक चोरी और क्या उसके नियम कानून होते हैं। UG के स्तर पर, PG के स्तर पर कोई सेमिनार या आर्टिकल कहीं भेज रहे हैं, उसमें क्या क्या नियम हो साहित्यिक चोरी के, और MPhil PhD में साहित्यिक चोरी के क्या प्रावधान है। जो भी जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ID दें, अपना फ़ोन नंबर दें, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। आज हम बात करेंगे सेल्फ प्लेगरिज्म की, और ध्यान से वीडियो में कही हुई बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और समझने और सुनने के बाद नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को कई बार देखिएगा, उसके बाद भी नहीं आती तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है और किस किस कंडीशन में समझ में नहीं आई है। पहली चीज़ कि यदि आप किसी व्यक्ति की कोई रिपोर्ट, किसी व्यक्ति की कोई आलोचना, किसी व्यक्ति की कोई टीका टिप्पणी, किसी व्यक्ति का कोई वक्तव्य किसी अखबार, पत्रिका, न्यूज़पेपर में छपी हुई कोई न्यूज़ को अपने शोध कार्यों में यूज़ नहीं कर सकते हैं, याद रखिए, नहीं कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे ये नियम तो पहले से था,
बिल्कुल था, लेकिन एक चीज आ गई है इसमें कि यदि आप यूज करते हैं तो कितना यूज करेंगे उसके नियम पहले से डिसाइड हैं, और न्यू यूज करने के बाद उस व्यक्ति को क्या सूचित करेंगे या उसका क्रेडिट देंगे उसके भी नियम हैं। लेकिन एक इसमें नियम जोड़ा गया है कि यदि आप नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए एक स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है टेस्ट रिसाइकलिंग। जब हम टेस्ट रिसाइकलिंग की बात करते हैं कि जिस पेज के जिस लाइन पे उसको डाउट लगेगा सॉफ्टवेयर को, जो प्लेगरिज्म की जांच करता है वो उस टेस्ट के उस वर्ड उस सेंटेंस की वर्ड टू वर्ड स्क्रीनिंग करेगा, और जब वर्ड टू वर्ड स्क्रीनिंग होती है तो समझ लीजिए कि खालों के अंदर कितनी परतें जर्द हैं उसके अंदर वह उसकी भी जांच करेगा। आपने एक लाइन में एक शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है और एक पेज में आपने कितनी बार क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है उसकी भी जांच होगी टेस्ट स्क्रीनिंग में। बेहद ही कड़ा नियम है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। BER बैरा, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, वहाँ से इस नियम को भारत सरकार ने लिया है, विथ कॉपीराइट के साथ नहीं, परमिशन के साथ। क्या होता है बैरा और क्या होता है एरा, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन से ये नियम लिया गया है टेक्स्ट स्क्रीनिंग का। और एक शब्द और है अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, इसको बोलते हैं एरा। तो इन दोनों के बारे में यदि जानना समझना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन बैरा का ये नियम लिया गया है टेक्स्ट स्क्रीनिंग का, याद रखिए, क्योंकि इससे पहले जो साहित्यिक चोरी की जांच होती थी, प्लेगरिज्म की जांच होती थी, वह वर्ड टू वर्ड नहीं होती थी, ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट स्क्रीनिंग नहीं होती थी, कंप्लीट पेजेस की होती थी या पूरे पूरे चैप्टर्स की होती थी और मोटा मोटा रिपोर्ट्स आती थी। लेकिन यदि आपकी रिसर्च जब आप जमा करते हैं या कोई शोध पेपर, और ये नियम याद रखिए एक चीज़ को, आपके MPhil पर लागू होगा, PhD पर लागू होगा, PDF हो, पोस्ट डॉक्टरेट हो, डिलीट हो, सब पे लागू होगा, और यहाँ तक के BA और MA के प्रोजेक्ट और शोध कार्यों पर भी लागू होता होगा जहाँ कराया जा रहा है। और यदि आप किसी सेमिनार में कोई पेपर भेजते हैं, किसी मैगजीन के लिए कोई आर्टिकल भेजते हैं, पत्र पत्रिका में, जर्नल्स में, उस पर भी लागू होगा, याद रखिए, क्योंकि हम लोग कहीं भी प्रतिभागिता इसीलिए करते हैं, हमारा API बढ़े, हमको उसके क्रेडिट मिले। और जब आप इसकी बात करते हैं ISSN नंबर या ISBN नंबर के साथ कहीं लेख भेजने की, कहीं रिसर्च लिखने की, तो आप उस दायरे में आ जाएंगे। इस नियम को ध्यान से समझिए, और ये मेरी चिंता रात से थी, मैं भी शोधार्थी हूँ और भविष्य में कुछ करूँ ना करूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन जो जानकारी मिली है मैंने आपको दे दी। एक चीज़ और मैं बता दूँ वीडियो समाप्त करने से पूर्व कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कल ही सूचना आती है, और कल ही की डेट में भारत के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सभी के VC को, सभी शैक्षणिक शिक्षाविदों को, IQAC नाम की संस्था आपके भी यहाँ होगी, उनको सभी सिलेक्टिव कमिटियों को ये नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। और जिस विश्वविद्यालय में या जिस कॉलेजेस में कैंपस में शोध होती हैं, शोध निदेशक हैं, उनके पास भी भेज दिया गया है। तो हो सकता है कि आज से अर्थात 22 अप्रैल से, और आज 22 अप्रैल पृथ्वी डे भी है, अर्थ डे भी है, उसके भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पृथ्वी को बचाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं और पृथ्वी प्रदूषण को कम से कम करने के लिए जो कार्य बेहतर हो सकता है वही करें, उसके आपको चेताने के लिए पुनः शुभकामनाएं और चिंताएँ। पुनः वीडियो पे आते हैं कि सभी शोध निदेशकों को, सभी विश्वविद्यालयों के VC को, और ध्यान रखिए ये नियम केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर लागू होता है, ऐसा नहीं है। UGC ने जिन 936 या 947 विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट पर डाली है उन सभी पर लागू होता है ये नियम, याद रखिए। और चाहे PhD हो, MPhil हो, MA BA के प्रोजेक्ट हो या रिसर्च हो, जहाँ रिसर्च होती है MA के अंदर, या PDF डॉक्टरेट हो, पोस्ट डॉक्टरेट हो, डिलेट हो, डिलेफ हो, उन सभी पर लागू होता है ये नियम, ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट स्क्रीनिंग का, जिसको सेल्फ प्लेजरिज्म में जोड़ा गया है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपसे कहते कहते वीडियो को समाप्त करूंगा, यदि आप रिसर्च तक ही सीमित नहीं है ये मामला, यदि आप अपनी भविष्य में कोई पुस्तक पब्लिश करते हैं,
यदि आप अपने भविष्य में अपनी ही रिसर्च, मान लीजिए आपने रिसर्च में चाहे सोशल साइंस की हो, ह्यूमैनिटी की हो, साइंस की हो, सोशल साइंस के सोशल वर्क की हो, किसी भी फील्ड की रिसर्च हो, आपको मान लीजिए उसमें 5 चैप्टर, 7 चैप्टर, 10 चैप्टर बनाए हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी पीएचडी के 10 चैप्टर के कामों को 2 या 3 पुस्तकों में पब्लिश कर दूँ, तो यह नियम उस पर भी लागू होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रिसर्च में तो आपने कम से कम संदर्भों के साथ में कोई कार्य समा कर दिया और आप उसमें सेल्फ रिविज़न से निकल गए, लेकिन भविष्य में यदि आप अपनी कोई पुस्तक पब्लिश करते हैं और उसमें यदि आप बाहर से डेटा लेते हैं जो आपके मूल रिसर्च में नहीं था, क्योंकि आप ये पब्लिश अपने प्रमाणिकता देते हैं कि मेरी ये पुस्तक अपने रिसर्च कार्य के आधार पर है, लेकिन वह जानकारी, जो जानकारी आप किताब में दे रहे हैं, यदि उसमें अतिरिक्त जानकारी, आप ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हैं जो आपके मूल रिसर्च में नहीं थी और किताब में देते हैं, तो आप सेल्फ प्लेजरिज्म के दायरे में आएंगे। आप उससे बचने का एकमात्र सलूशन है कि आप रेफरेंसेस दीजिए, आप संदर्भ दीजिए, आप क्रेडिट दीजिए उस व्यक्ति, उस संस्था, उस आर्टिकल, उस लेख, उस शुदालेख का जिक्र कीजिए जहां से आपने जानकारियां ली हैं। यदि आप ये छोटी सी बात का पालन करते हैं तो आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं, सेल्फ प्लेजरिज्म से बच सकते हैं और टेस्ट स्क्रीनिंग, इन तीनों चीज़ों से बच सकते हैं यदि आप क्रेडिट देते हैं। लेकिन कितना संदर्भ लेना है, कितनी बातों को लेना है, उसके लिए कॉपीराइट एक्ट आपके समक्ष, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इन सभी नियमों का पालन करते हुए एक गुणवत्तापूर्ण, विशुद्धिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एक शोध कार्य सोसाइटी को सौंप सकते हैं। क्योंकि जो सोसाइटी के लोग आपको, सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार उन्हीं टैक्सों से आपको स्कॉलरशिप, फेलोशिप देती है और शिक्षण संस्थानों में आप पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करती है, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य सोसाइटी को दें और सोसाइटी के उपयोग के लिए दें। तो इस नियम को मैंने, इस नियम को बतलाने के लिए और समझाने का प्रयास करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया अपने इस चैनल पर। आपको जितना अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ, मेरी बातों को मानना या ना मानना ये आपका अधिकार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो का वेट कीजिए। नमस्कार।